रोम की जो तंजीम है, रोम की जो नई तंजीम बनी है, मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ जो मेरे ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे जोन के अहदेदार हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के अहदेदार हैं, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नए नियुक्त हुए हैं, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ इस एक्ट के साथ कि आज हम एक्ट करें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप की मजबूती के लिए हम कोई भी रास्ता अख्तियार करेंगे। इसके लिए मैं आपसे फिर एक बार ये बात कहूंगा कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसकी लीडरशिप को मजबूत करें। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। थैंक यू रतनलाल गुप्ता जी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री अजय सड़ोत्रा जी से कि कृपया वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। अजय सड़ोत्रा जी, कायदेशाने सदर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, हमारे इस प्रोग्राम के जो ऑर्गेनाइजर हैं रामपाल जी जो दोनों सदर हैं, हमारे कमाल मुस्तफा साहब जो एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, रतनलाल गुप्ता साहब जो हमारे सूबाई सदर हैं, हमारे मुबारक गुल साहब जो साहब का स्पीकर हैं, मुश्ताक बुखारी साहब जो हमारे साहब का मंत्री हैं, और बाकी जितने भी स्टेज पे लोग बैठे हैं या मेरे सामने बैठे हैं, मेरा हम सबको दर्जा बदर्जा हाथ जोड़ के नमस्कार। आज खुशी की बात है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब तशरीफ लाए इस जम्मू जोन की कॉन्फ्रेंस में। इस बात के लिए मैं फारूक अब्दुल्ला साहब का मशकूर हूं और तमाम जो यहां लोग आए हैं उनका मशकूर हूं जो वो यहां तशरीफ लाए। डॉक्टर साहब, पिछले दिनों उमर अब्दुल्ला साहब ने रस्तवाल जिला डोडा का दौरा किया और एक नरेटिव उन्होंने दिया। मैं समझता हूं कि उस नरेटिव को आज हमें घर घर ले जाने की जरूरत है। उनका नरेटिव क्या था कि साहब हमारी आइडेंटिटी, हमारा कल्चर, हमारी नौकरियां नौजवानों की, हमारी जमीनें, ये सब खतरे में आ गई हैं। इसको रिस्टोर करना बड़ा जरूरी है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी थी इस सिलसिले में वो होनी चाहिए, जैसे कि लद्दाख में हुई है। लद्दाख को हमारे साथ यूटी बनाया गया, मगर उसको लद्दाख के लोगों के कहने पे उनकी आइडेंटिटी, उनका कल्चर, उनकी एम्प्लॉयमेंट और उनकी जमीनों के सिलसिले में डोमिसाइल नहीं चला। मैं स्टेज से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के सामने ये कहना चाहता हूँ कि बहुत बहुत मुबारक हो। ए एन डोगरा इनका नाम है। बड़ी मुबारकबाद है और अल्लाह करे कि इनको तौफीक दे यहाँ के लोगों को इस मुश्किल से निकालो। थोड़ा पीछे।
बीजेपी कह रही है एनसी का जनाधार खत्म हो गया कश्मीर में, इसलिए जम्मू में फोकस कर रही है। जेएनयू में दोबारा जो है बाबरी मस्जिद बनाने के नारे लगे हैं, किस तरह बोलना ही नहीं है उसने। सबसे ज्यादा इस रियासत को अगर धक्का मिला है तालीम का, हमारा गरीब बच्चा जहां बिजली नहीं है, उसके पास ये फोन नहीं है जिससे कि वो तालीम हासिल कर सके, तो वो क्या पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा बताइए मुझे। आपके बच्चे जो है उनका क्या हाल है? आपके बच्चे दर बदर नहीं हो जाएंगे, वो कल कहां जाएंगे, क्या काम कर सकेंगे? इन स्कूलों को शुरू कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, ये मास्क रखिए कि बच्चे पढ़ सकें। हमारे बच्चे और बच्चियां खराब हो रही हैं। मैं हाथ जोड़ के आपसे मांगता हूं, खुदा के वास्ते लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, इस तरफ तवज्जो दीजिए कि हमारे बच्चे पीछे न रहें, कि रियासत डूब न जाए। फिर आप उठाने की कोशिश करेंगे, यहां कुछ उठाने के लिए होगा नहीं, अर्थी उठाने की होगी। मेहनत करें और अपने अफसरों से कहें ईमानदारी से करें, सबके साथ रहें, सबका सुने, बुरा लगे मगर प्यार से सुने, प्यार से जवाब दें। कल क्या करोगे जब उसके सामने जाओगे, वहाँ क्या जवाब? जाना तो है, वो तो लिखा हुआ, जिस दिन आए हो उसी दिन लिखा है किस दिन जाना है, क्या करो? आपने मुअत्तल किए क्योंकि आपने बिल पास करने हैं, वो पास नहीं होंगे क्योंकि आपके कम नंबर हैं, इसलिए उनको पिछली पार्लियामेंट के सेशन में जो आपने किया उस पर निकाला। ये डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी अफसोस। अल्लाह करे कि वो वक्त आए कि ये इधर बैठे और हम इनको डेमोक्रेसी दिखाएं कि हम आपको सुनना चाहते हैं और आप बोलिए जो बोलना चाहते हैं। अरे मुझे याद है मेरे वालिद कहते थे, कहते जब जवाहरलाल बैठा रहता था हाउस में, आजकल के वजीर आजम हाउस में नहीं बैठते, जवाहरलाल बैठता था और लोहिया साहब ऐसे ऐसे हमले उन पे करते थे, जवाहरलाल खामोशी से सुन। ये था कैरेक्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मादाए बर्दाश्त इसे हम कहते हैं, एबल टू लिसन। आज वो एबल टू लिसन जो है गायब, आज कोई भी तैयार नहीं है वो बात सुनने के जो से, क्योंकि आजकल हमें सब चापलूस चाहिए जो सिर्फ मक्खन मारे। जनाब सूरज आज इधर से नहीं, जनाब आप आए सूरज इधर से निकल, क्या बात, आज तो चांद चमक रहा है हुजूर, और आपके चेहरे पर जो नूर है आह, भगवान का भी ऐसा रूप है। ये तो हमारे लोग, और जब कल कुर्सी से उतर जाएंगे न सूरज ही रहेगा, न रूप ही रहेगा, न वो लोग होंगे जो उनको मक्खन बाज, याद रखें। मैंने देखा वो, मैंने वो नरसिम्हा राव का हाल देखा, जब कुर्सी पे था लोग पैरों पे पड़ते थे, ये हमारा अंदाता है, वो जब कुर्सी से उतर गया वो स्टेज पे उसको जगह नहीं देते थे कि बैठे, और डरते थे कि कहीं कोई देख ना ले कि यहाँ बैठा हुआ है, वो भी मैंने देखा। इनको भी उस चीज से डरना चाहिए, वक्त नहीं रहता। हमारे लोग हैं
जो हमारे बच्चों को बर्बाद करने में टुले हुए हैं। यहाँ पे शराब वालों के ठेके थे, मैं शराब नहीं पीता, मगर जो पीते हैं मैं उनको रोक भी नहीं सकता। अगर इनके ठेके थे, कभी अगर मुझे एक भी ठेकेदार बोले कि फारूक अब्दुल्ला या नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक पैसा दिया हो, तो मैं इस कुर्सी से उतरने के लिए तैयार बैठा, मगर निकाल दिया। क्यों निकाला? क्योंकि नए लाने थे, उनसे ये लेना था, और जो बेचारे बाकी थे वो आठ हमारे वो बर्बाद हो गए, उनके घर बैठ गए। क्या है ये लोगों की हुकूमत? क्या लोगों की सोचते हैं? आज तो खुद गोविंदर गुप्ता जी कहते हैं कि यहाँ पे ये जो अफसरशाही है, इस अफसरशाही को ख़त्म करो, नहीं तो यहाँ के लोग बर्बाद हो गए। खुद मीडिया जानता है, मैं भी देखता हूँ गोविंदर जी कितना ये सुनते हैं आपका, आप तो इन्हीं के सहार में हो। हर तरफ से तानाशाही, फोन उठाने के लिए अफसर तैयार नहीं। मैं तो 60 साल तक रहूंगा इस कुर्सी पर, तुम कहो, तुम तो आज एमएलए बन जाओगे, 5 साल के बाद गायब हो जाओगे। इसको बदलाना है, लोग मालिक हैं, अफसर मालिक नहीं है, लोग मालिक हैं। ये कभी भूलिएगा नहीं। हिंदुस्तान के उन लोगों ने जो इसने संघर्ष किया आजादी से, अंग्रेजों से निकलने के लिए, उसने इसीलिए संघर्ष नहीं किया कि हम कुर्सियों पर बैठेंगे, उनने संघर्ष किया और अपनी जाने दी। कभी जलियांवाला बाग नहीं भूलिएगा, कभी भगत सिंह और उसके साथियों को भूलिएगा नहीं। कितने ही ऐसे हैं जिनने कुर्बानियां दी कि एक दिन हम इन अंग्रेजों से निजात मांग सकें, मगर इसलिए नहीं कि वो चले जाएंगे और दूसरे अंग्रेज यहां बैठ जाएंगे, इसलिए नहीं किया। नारा मारते हैं कि हम डेमोक्रेसी को मजबूत करेंगे, कौन सी डेमोक्रेसी, कौन सी? हम बचने चाहिए, देश देखा जाए, इसकी तरफ सोचे। और आपको इस जमात को मजबूत करना है तो उसके लिए संघर्ष करना है, अपने हक के लिए संघर्ष करना है, नहीं तो आपके बच्चे दर बदर होंगे और आप कभी भी अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकते। इसके लिए आपके काम करना, हिम्मत करनी। और मैं बाबू रामपाल जी को मुबारक करता हूं, एक नई चीज हमने शुरू की जो हमें बहुत पहले करनी चाहिए थी, मगर शुरू है। कहते हैं बेटर लेट देन नेवर, देर आए दुरुस्त आए। शुक्र है एक चीज बनी, और अब मैं उम्मीद करूंगा कि आपके साथी जो आपके साथ जुड़े हुए हैं वो इसको और मजबूत करेंगे और इनमें ये भर देंगे, जज्बा भर देंगे। आज डोगरी बोलने वाले खत्म हो गए, बड़े नारे मारते थे डोगरा देश डोगरा देश, कहां गया वो? आपसे भी कहूंगा आगे से आप कन्वेंस करें, डोगरी में बात करवाई, डोगरी में रेजोल्यूशन लाई, ये हमारा मकसद, क्योंकि पहचान आपकी है डोगरी। पंजाबी भी यहां पे हैं, आपकी पहचान पंजाबी है, मगर आप इस रियासत के एक हिस्सा हैं। इस चीज को याद रखिए, मैं जब आया था मैंने पहली चीज यही की थी कि जबानों को फिर से उभारे। कश्मीर में हम लोग अंग्रेजी बोलते जैसे हमारे माँ बाप अंग्रेज थे, अपनी जबान नहीं बोलते। किसी बच्चे से पूछे कश्मीरी आती है, जवाब देगा नो नो नो, आई एम नाउ ओनली इंग्लिश, जैसे उसका बाप वहां से आया होगा। यार आपकी पहचान है तो डोगरी है,
उसको मजबूत कीजिए, पहाड़ी है पहाड़ी मजबूत कीजिए, गोदरी है मजबूत कीजिए। हमारे यहां गुरेज वगैरह में शीना बोलते हैं, उसको मजबूत कीजिए। हर जबान जो है वो प्यारी है, कोई जबान देश की दुश्मन नहीं है। ये समझते हैं कि अपनी जबान दुश्मन है, नहीं है। जिसको अपनी जबान नहीं आएगी वो किसी काबिल नहीं है, उसकी तरफ तवज्जो दे। और ये नशे वाली दवाएं जो बेच रहे हैं उनको पकड़ के पुलिस के हवाले कर, क्यों हम इसलिए गुजारिश करूंगा अपनी तंजीम को मजबूत बनाइए और जहां हमारी गलती है वो बताइए, तभी ये ठीक होगा। मैं पूरी बहुमत से आया था 96 में, पूछे सब बैठे मेरे मिनिस्टर थे, मैं सबसे ज्यादा टाइम उनको देता था जो अपोजिशन में है, कि मैं सुनू इन्हें और बैठा रहता था, क्योंकि तनकीद करेंगे तो हो सकता हम गलत हैं, उसको ठीक करें। बल्कि दो मेंबर आए, उन्होंने कहा जब हम नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाना चाहते हैं, मैंने कहा मत आइए, जो आपको चाहिए मैं देने को तैयार हूं, मत आइए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप हम पे तनकीद कर सकें, आप हमारे गलतियों को साबित कर सकें। आज वो जमाना नहीं रहा, आज तनकीद का जमाना नहीं रहा। आज ये कहते जाइए हम क्यों ना डूब रहे हो, कहीं नहीं जना हम तैर रहे हैं, हम क्यों ना मर रहे हो, कहीं नहीं जना हम जिंदा हैं। गोल्ड कार्ड आया, ये कह के कि आपको 5 लाख का हम जो है इंश्योरेंस मिलेगी आप। मैं सुनाऊ, एक साहब आयुष्मान कार्ड, एक आदमी बंबई में बीवी का इलाज करा कैंसर का, आयुष्मान कार्ड दिखाया, दिल्ली में अभी यहीं के एक डॉक्टर साहब एक बड़े अस्पताल में लाकर लगाया मेरा आयुष्मान कार्ड, फिर फायदा क्या इसका? एक को दिल की मशीन फिट करनी थी, उसने कहा भैया अच्छी से मशीन फिट करो, वो मशीन मत फिट करो जो मुझे फिर एक साल में वापस आना पड़े, मेरा दिल बैठ जाए, क्योंकि 5 लाख का कार्ड है, 2.5 लाख की मशीन लगा कि मैं चल सकूं। डॉक्टर कहने लगा नहीं जी मैंने यही लगा दिया, मैंने फोन किया, मैंने कहा डॉक्टर साहब तेरी आयुष्मान कार्ड है क्या? अगर इसके लिए आप वो नहीं लगा सकते पर ये तो बेकार की चीज है, ये जो वादे करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूं इनको देखिए कि इन पे लोग चलते हैं या नहीं चलते हैं, उनसे एक्शन लीजिए, उन इंस्टीट्यूशन से एक्शन लीजिए जहां इसकी इज्जत नहीं की जाए, क्योंकि लोगों का दिल टूट जाएगा, और किसी का दिल टूट गया तो फिर आप जानते हैं ऊपर वाला क्या करता है, क्योंकि वो बसता है लोगों के दिलों में, तो अमीर हो या गरीब हो, जो उसकी सेवा करेगा उस गरीब की या अमीर की अल्लाह उसको उतना ही दर्जा देगा।